अयोध्या में देखो धूम मचल है, जगमग जगमग ये तो सजल है, राम जी पधारे हैं, अद्भुत नजारे हैं, इन्हें कोटि कोटि है प्रणाम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू। अब आप लोगों के अगर कोई सवाल है तो हम उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। सामने तो आप तमाम पत्रकार भाइयों को नमस्कार और जय श्री राम। मेरा नाम आनंद मंगेश त्रिपाठी है और मैं यहाँ पर बतौर प्रतिनिधि सिप्सी म्यूजिक के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पे आप लोगों के बीच आकर उपस्थित हुआ हूँ और प्रेस क्लब के आप तमाम सदस्यों को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार और प्रणाम। आप लोगों ने हमें मौका दिया अपनी बात रखने के लिए, आपका ही मैं चलिए मैं शुरू करना चाहता हूँ और आज के विषय के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आज का जो विषय है कि जिप्सी म्यूजिक का एक गीत है जिसका एक बोल है भगवान हारी और उसी सॉन्ग को लॉन्च करने के लिए आप लोगों के बीच लाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ इस गीत को अपनी आवाज देने वाले रैपर हितेश्वर साहब है और इसमें अभिनय करने वाले अभिनव तिवारी साहब है। ये दोनों कलाकार इसमें आप लोगों के बीच इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। कुछ और कलाकार है जो कि यहाँ नहीं है और भगवान हारी बेसिकली एक ऐसा गीत है जो आप लोगों के बीच है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा जब भी आप लोग सुनेंगे। साफ सुथरा गाना है, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में इसे शूट किया गया है। गाने के बारे में और सारे डिटेल्स है, किसने लिखा है, संगीत इसमें किसका है और इसके प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, इन तमाम आप लोगों के सवाल जो होंगे उसके एक एक करके हमारे जो साथी हैं ये जवाब देंगे। मैं आपकी तरफ से बता देता हूँ कि आदरणीय बड़े भैया धीरेन्द्र मणि त्रिपाठी जी इसके प्रोड्यूसर हैं जो कि आज फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन इस गाने को बड़े शिद्दत से बनाया गया है। आज का मैं पूरी कोशिश की एक बढ़िया गाना, साफ सुथरा गाना प्रभु श्री राम के ऊपर हम लोगों ने बनाया है और वो आप लोगों के बीच आज हम लोग इसे लॉन्च करना चाहते हैं। हितेश्वर है और इन्हें भूतपुरिया भाषा के नाम से जाना जाता है। बतौर रैपर इन्होंने अब तक 100+ सॉन्ग जो है वो किए हुए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने दे चुके हैं और अभिनव तिवारी बेसिकली टेलीविजन पर कई सारे शोज का हिस्सा रह चुके हैं, कई सारे टीवी सीरियल्स में अभिनय कर चुके हैं, कुछ एक फिल्में भी इन्होंने की है जो कि अभी शूट हुई है और रिलीज पर है, थोड़े समय में उन्हें रिलीज किया जाएगा। जिप्सी म्यूजिक के बारे में बता देता हूँ कि आपके अपने शहर लखनऊ की एक कंपनी है, एक म्यूजिक लेवल है जो कि इसकी दो कंपनियां हैं, जिप्सी म्यूजिक और एक जिप्सी एंटरटेनमेंट के नाम से। जिप्सी म्यूजिक मेनली जो है ये संगीत में इंगेज है, संगीत के अच्छे अच्छे गाने, बढ़िया गाने, साफ सुथरे गाने आप लोगों के बीच लेके आती है और जो दूसरी कंपनी है जिप्सी एंटरटेनमेंट उसी की एक सिस्टर कंसर्न है, वो बेसिकली फिल्मों का निर्माण करती है और कई फिल्में अब तक बना चुकी है। रिसेंटली उनकी फिल्म की रिलीज शूट हो रही थी अयोध्या में ही, उस फिल्म का नाम है संकट मोचन हनुमान और इस फिल्म की शूट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। फिल्म के डायरेक्टर है चंद्र उपाध्याय जिन्होंने इससे पहले एक फिल्म की है हर हर गंगे, उसी के साथ एक और फिल्म शूट की गई है जो कि बेसिकली एक भोजपुरी फिल्म है, फिल्म में अरविंद अकेलाकल मुख्य भूमिका में है, फिल्म का नाम है लव यात्री और ये दोनों फिल्में शूट हो चुकी हैं जिप्सी म्यूजिक की और माफी चाहता हूँ जिप्सी एंटरटेनमेंट की और ये दोनों फिल्में अगले साल, माफी चाहता हूँ इसी साल 2024 से फिल्म चुका है तो इसमें इसे रिलीज किया जाएगा। तो ये जो जानकारी है ये मैंने अपनी तरफ से दी, बाकी जो साथी है ये भी अपनी अपनी बात आप लोगों के बीच कहेंगे। मेरे समक्ष बैठे सभी पत्रकार भाइयों को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम है रैपर, मुझे भोजपुरिया भाषा के नाम से जाने जाते हैं, काफी गाने किया हूँ मैं, हिंदी भी किया हूँ मैं और
मजबूरी भी और मेरे गाने जो भी होते हैं बिल्कुल नॉट करप्टेड गाने होते हैं, जो कि आजकल लोग बोलते हैं कि भोजपुरी में बहुत चिंता है ये सब, बिल्कुल नहीं। हमारे गाने ऐसे हैं जो कि आपको ही पसंद आएंगे। तो हमारे गाने कुछ हमारे जैसे कि मुझे ही जाता हूँ भोजपुरी में, हमारे पूर्वजों की बहेली की कहानी, हमारे बाप दादा और नाना नानी की जुबानी, बुझका लाल ढकना पर बाल ढकना, अरे घूर ढकना पहुंचाओ पटना, बुझका ये सब चीजें मैं दर्शकों से पूछता हूँ, प्रोग्राम करने जाता हूँ, तमाम दर्शक होते हैं उनसे पूछता हूँ बुझका। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है, वो ये सब एंसरिंग जो है वो तो होता है लेटर बॉक्स और इस टाइप का जो जोन है हमारे पूर्वज बाप दादा नाना नानी, इस टाइप का हमारे गाने होते हैं जो कि जो आजकल मुझे लगता है कि सब भूल चुके हैं, सब अपने अपने अलग अलग ट्रैक पर चल रहे हैं। और इसी में मैंने भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का जो चल रहा है 22 तारीख को होने वाला है, एक छोटा सा सहयोग किया हूँ। तो ये बिल्कुल ऐतिहासिक चीज है, जो वो समय चल रहा है पूरे भारत राम में हो चुका है, दिवालियां बन रही है, तो हम भी उसी में से एक छोटा सा कण समझ सकता हूँ कि सहयोग दिया हो, कोशिश किया हो प्रभु राम जी के बारे में गाना गा के कुछ अपना सहयोग करो। और उस सहयोग को मुझे 100% जो मदद होती है, जो सर पे हाथ रखा है वो जिप्सी म्यूजिक ने रखा है, और हमारे धीरेन मणि त्रिपाठी भैया है प्रोड्यूसर है, उन्होंने बोला कि बिंदास आप कीजिए और हमारे चैनल पर रिलीज कीजिए। तो ये चीजें हुई हैं आप लोग आशीर्वाद से, आज मैं आपके समझ बैठा हूँ तो सब गाऊंगा भी और इस गाने के बारे में बताना चाहता हूँ। तो अभिनव तिवारी कलाकार है और ये अपनी बात आप लोगों तक शेयर करेंगे। सबसे पहले आप सबको नमस्कार, प्रणाम, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अभिनव तिवारी हम यहाँ बैठे फिलहाल बाबा धारी गाने की ओपनिंग करने के लिए, और आप सबका मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा जो आपने अपना कीमती समय दिया। मैं इस गाने में भगवत हरि में एज अ पहलवान की भूमिका निभा रहा हूँ, जो राम भक्त है, बजरंगबली का भक्त है और एक पहलवान अपना चीजें लेके करता है, ये पीछे भी किया है। और मैंने मुझे भी जैसे कि पहले उन्होंने बताया, मुझे भी जिप्सी म्यूजिक कंपनी द्वारा बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला है, और जेड आई जिप्सी म्यूजिक चैनल कंपनी है जो मुझे पता है, उसको मैंने और भी बहुत सारे गाने आ चुके हैं जिसमें आपका काला दिल अभी ट्रेंडिंग कर रहा है और लहंगा जो दुनिया है और होली के भी गाने दिए थे जो बड़े साफ होते हैं। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि जिप्सी म्यूजिक जो करते हैं ये भोजपुरी गानों को बहुत ही साफ होते तरीके से पेश करती है, जैसा कि अब तक मार्केट में छवि जो रही है भोजपुरी गाने की बहुत अश्लील गाने बनाते हैं लोग कुछ कुछ सिंगर, बट जिप्सी म्यूजिक का जितने भी गाने आए हैं बड़े साफ होते हैं और ऐसे गाते हैं कि आप कहीं भी ओपनली और परिवार के साथ देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो उसी के कारण मुझे भी इस कंपनी द्वारा काम मिला है और मैंने भी शेयर मोटर स्टेशन के बारे में पहले मैंने 3 फिल्म करी है लगातार सर्वे मोटर हनुमान, इससे पहले इस कंपनी ने एक हिंदी वेब सीरीज बना लिया झुमकी और भी ऐसे बहुत सारी फिल्में भी हैं। और मैं एज अ राइटर टीवी सीरियल सावधान इंडिया और घर निर्माण जैसे गाने से बहुत सारे शोज मैंने किए हैं, तो आप लोग सब अपना ध्यान दीजिए और इस गाने को अपने सहयोग से आशीर्वाद दीजिए। अयोध्या में देखो धूम मचल है, जगमग जगमग ये तो सजल है, राम जी पधारे हैं, अद्भुत नजारे हैं, इन्हें कोटि कोटि है प्रणाम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू। अब आप लोगों के अगर कोई सवाल है तो हम उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।